हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन प्लस वाई सीरीज़ 32 इंच टीवी के बारे में। रिसेंटली 2 मंथ्स बैक ये लॉन्च हुआ था। वन प्लस कंपनी ने इसको अभी सेल पे लगा रखा है। एक्चुअल प्राइस MRP 19,990 रुपीज़, बट अभी सेल में ये 13,990 का मिल रहा है। उस पर एडिशनल 10% ऑफ मिलने के बाद आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 12,500 का मिलता है। मुझे ये 12,000 का नेट पड़ा है बिकॉज 500 रुपीज़ का एडिशनल कैशबैक भी है अमेज़ॉन पे। तो क्विकली इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्थ है, इज इट शुड यू बाय इट, और मेरी रिकमेंडेशंस क्या है। तो गाइस, पहले इसको अपना रिमोट देखते हैं। रिमोट बहुत नॉर्मल रिमोट है जो हमारे रेगुलर एंड्रॉयड टीवीज़ में मिलता है, बट इसमें एडिशन ये है कि इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और यूट्यूब का अलग से बटन्स हैं। इसको ऑफ करके ऑन करके देखते हैं कि कितनी देर लगाता है। क्विक रिस्पॉन्स है गाइज, 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज के साथ ये टीवी आता है। फटाफट से इसकी हम वो देख लेते हैं सेटिंग्स में जाके क्या क्या इसमें डेटाज हैं। इनपुट्स में ये बताता है कि चैनल्स HDMI 1 और 2 और बाकी कॉम्पोजिट के नाम से इसमें कुछ लिखा है। वाईफाई कनेक्टिविटी है इसमें। सो ये गाइस 2.4 सपोर्ट करता है, 5G सपोर्ट, गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे अपने राउटर में 2.4 का कनेक्शन ऑन करना पड़ा। अकाउंट्स जीमेल से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आप 8 GB तक इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिवाइस प्रेफरेंसेस एंड रिमोट्स में आप ये, दिस इज़ अ ब्लूटूथ रिमोट बेसिकली, तो आप इसको अगर ऐसे करके भी करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, अगर आपको डायरेक्ट पॉइंट आउट ना करेंगे तब भी ब्लूटूथ रिमोट है, कहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये डिवाइस प्रेफरेंसेस हैं इसके अंदर, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज कौन सी, कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना है, साउंड पिक्चर्स टिपिकल एंड्रॉयड डिवाइसेस में सेम रहते हैं, क्रोमकास्ट बिल्ट इन आता है इसमें गाइज। फिर लोकेशन की प्रेफरेंसेस हैं जो कि आपको पर्सनलाइज्ड सारा आपको कंटेंट दिखाता है। गाइज, मेरे पास एक आई फैल्कन TCL कंपनी का एक सिमिलर एंड्रॉयड टीवी है जो कि आई फील एग्जैक्टली सेम है। उसमें 1.5 GB रैम है, वेयर एज इसमें 1 GB है। इसमें गाइज नेटफ्लिक्स का कंटेंट जस्ट बाय अ क्लिक ऑफ बटन आता है। ये देखिए, नेटफ्लिक्स आता है। अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी डिस्प्ले की। अगर हम स्लीकनेस की बात करें तो ये काफ़ी स्लीक है, और अगर हम बात करें बेजल्स की तो ये बहुत बहुत पतले बेजल्स हैं। अगर मैं अपनी फिंगर दिखाऊं तो ये फिंगर से भी पतला बेजल है ऑन 3 साइड्स, और एक साइड बेजल थोड़ा ज़्यादा है। इसका स्टैंड बहुत स्टर्डी, बहुत सुंदर है। मुझे लगा कि ये काफ़ी 32 इंच के हिसाब से बहुत अच्छा स्टैंड है। इसकी लाइट यहाँ पर आती है गाइस, ऑन ऑफ की। बाकी छोटा सा एक यहाँ पर ब्रांड आता है वन प्लस का। अब हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम का। हमने जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही प्राइम वीडियोज़ ऑन हो जाती हैं, विच हैज़ अ बिल्ट इन सपोर्ट। इसमें 3 स्टार रेटिंग है और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आर पर ईयर इज़ 59। इसको इतना देर लगाएगा इस स्टार्ट होने में, प्राइम वीडियो को थोड़ा सा लैगी है। आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब जाके ऑन हुआ है, तो आई थिंक इट टुक हिम अराउंड 9 to 10 seconds टू स्विच ऑन दी नेट प्राइम वीडियोज़। हम यूट्यूब क्लिक करेंगे। यूट्यूब कंपेरेटिवली फास्ट होना चाहिए बिकॉज यूट्यूब इज़ मैनेज बाई एंड्रॉयड गूगल सिस्टम, तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए। गाइस, इसमें गूगल असिस्टेंट का फीचर भी है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगाएगा। प्ले कपिल शर्मा शो। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लेता है, बट सारा इसमें सारा सेंस करता है इसमें कि कैसे कैसे आप हमने बोला है। अभी भी देखिए गाइस, इट इज ट्राइंग टू प्ले। अब जाके देखिए, इसने कपिल शर्मा शो ऑन करा है। तो इसमें भी यस 9 सेकेंड्स तो लेगा ये, 8 to 9 seconds। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इसमें सर्च में जाकर इसमें आप इसको माइक्रोफोन ऑन करके स्पीक नाउ कर सकते हैं, प्ले कपिल शर्मा शो।
ये बेटर है, ये फास्टर है कंपेरेटिवली। प्ले कॉपीराइट फ्री वीडियोस। अब देखते हैं इसकी क्लैरिटी कैसी है। सो गाइज, ऑडियो आई वुड से एवरेज है 32 इंचेस के हिसाब से, बिकॉज एवरेज थोड़ी फ्लैट लगी मुझे, बट इसकी क्लैरिटी इज़ वेरी गुड। टीवी की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। अगर हम इसको सेटिंग्स में जाके देखें, क्वालिटी 1080 तक ही आ सकते हो आप। 720, 480, 360 एंड 240 तक का लिमिट है, मैक्सिमम इज 1080p। गाइस फटाफट से हम इसमें देख लेते हैं कि सपोर्ट कौन से इसमें पीछे जैक्स आते हैं। ऑडियो राइट एंड लेफ्ट का आता है अपने लोकल कोऑपरेटर के लिए। वीडियो ऑप्टिकल USB 1, USB 2, ईथरनेट, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 1 गाइस आर्क सिस्टम के साथ आता है, और RF भी है इसके अंदर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो गाइस प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल के साथ, और आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching, guys. Okay, bye.